रामलाल जी नायक, शोभराम जी नायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, राजस्थान की आन बान और शान, तो माला पहनाकर स्वागत कीजिए। आज स्वामी परिवार जिनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय की गहराइयों से स्वागत, अब मैं रामचंद्र आप लोग माला रामचंद्र आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से निवेदन है। विजय सिंह कांडे, मनु बरगोजर, सोम जी लोहिया, सुभाष जी सुथार, रमेश मेघवाल, ईश्वरदास स्वामी, केशवदास कुमार, पंचायत स्टेट केशवराम, बड़ी माला से स्वागत कीजिए। भाई बंधु से निवेदन, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह राठौर, हमारे बीच में कौन सा शब्द धन्यवाद दूं? आज बिल्लू की फिजा आप लोगों ने बदल दी। लगभग 200 लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करो, मेरे में विश्वास व्यक्त करो और कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को साथ देने को संकल्प लियो। आ घटना जीवन भर याद रखूंगा। आज आपके गांव में मैं आपको अमूल्य वोट मांगने वास्ते आयो। कोई व्यक्ति कोई गांव में कोई चीज मांगने वास्ते जावे और गांव का आदमी आगे बढ़कर माला पहनावे, स्वागत करेंगे, आज चीज भूलने वाली को नहीं। आपका विश्वास मैं कायम रखूंगा, आप चिंता मत करो। गांव ने समस्या रहित करना में आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। विभक्त आप सब लोगों के साथ लेकर काम करने की कोशिश करूंगा। मैं आज थोड़ी जल्दी में ही वास्तव भी हूँ कि आज मैं हरलाल सारण के प्रचार के अंदर मेरी सभा लागेड़ी है, 4 बजे मैंने मिलना है। मैं इस वक्त में नौरंग राम जी रुलानिया मेरे सागे कई दिनों घूम रहे हैं और वे अड़े शास्त्रों भी रुलानिया जी को है। तो बने भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ, मांगा ससरला ने भी धन्यवाद देना चाहूँ, बने भी धन्यवाद देना चाहूँ। आप सब लोग इतो प्यार रखे है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करूंगा, मैं फिर आऊंगा और आपकी बात में कदम भूलू को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीने का पानी जो दिला नहीं पाए, पूरे इलाके में मैं जाकर आया हूँ, पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा है। नहर की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई खड़ा खोदने से और कोई पत्थर लगाने से नहर नहीं आएगी। नहर आएगी तब जब नहर में पानी की क्षमता बढ़ेगी, उसका काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर आपकी सरकार बनते उसके बाद क्या होगा आगे? निश्चित तौर पर इस सपने को